अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि टीवीएस क्या होता है और कैसे किया जाता है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए आप डायरेक्ट अपनी डिटेल सेंड करके व्हाट्सएप पे भी अपना टाइम ले सकते हैं। चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि टीवीएस क्या होता है। टीवीएस बेसिकली जो है वो होता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि वजाइना के थ्रू स्कैन होता है। एक प्रोब होती है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये प्रोब बेसिकली इसके आगे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, कैमरा नुमान चीज होती है, सेंसेशंस होती है, जो कि आपकी वजाइना में रखा जाता है और इसको प्रॉपर कवर किया जाता है और हर कवर जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है, डिस्पोजिबल तरह से यूज किया जाता है ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना फैले। तो एक तो मिथ ये मैंने क्लियर कर दी कि ट्रांसवजाइनल जो स्कैन होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर डॉक्टर उसके ऊपर डिस्पोजेबल कैप यूज करता है, डिस्पोजेबल कवर यूज करता है, जो हर पेशेंट के बाद डिस्पोज ऑफ होकर नया यूज होता है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर कवर करके उसके ऊपर जेल लगाई जाती है, जिसे ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन के प्रोब पे लगाई जाती है और उसको इंसर्ट किया जाता है वजाइना। दूसरी मिथ कि ये पेनफुल है, ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। ये जो आप प्रोब देख रहे हैं ये सारा वजाइना के अंदर नहीं इंसर्ट किया जाता, इसका जो पहला हिस्सा होता है, जो उसका हेड होता है, इतना सा उसका पॉइंट होता है, उसके आगे सेंसर्स लगे होते हैं, वो इंसर्ट किया जाता है। इसलिए पेनफुल प्रोसीजर भी बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। अब हम ये बताते हैं आपको कि इसमें और ट्रांसएब्डोमिनल में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो स्कैन ट्रांसएब्डोमिनल कॉमन यूज किए जाते हैं, लेकिन आईवीएफ या इक्सी सेंटर्स में ट्रांसवजाइनल स्कैन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन ज्यादा एक्यूरेटली बताता है और ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन में आपको यूरिन होल्ड करना पड़ता है, बैली पे फैट होती है, जिसकी वजह से बगैर यूरिन होल्ड किए आप नहीं देख सकते। जितना आप प्रेशर से यूरिन होल्ड करते हैं, उतना ही आपकी हर जो ऑर्गन होता है पेल्विक एरिया का, वो ऊपर आ जाता है प्रेशर से और आपको यूट्रस क्लियर नजर आती है। उसमें जो हम देखते हैं डे 12 पे, जिनको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए दिया होता है, मैच्योरेशन के लिए दिया होता है, वो भी जो लोग ट्रांस एब्डोमिनल कराते हैं उसमें नजर तो आ जाता है, लेकिन जो उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो पूरा क्राइटेरिया, एक फॉलिकल का साइज कैसा है, शेप क्या है, सारी चीज एक्यूरेटली वो ट्रांस वजाइनल स्कैन के थ्रू ज्यादातर आईवीएफ सेंटर्स और इक्सी सेंटर्स में यूज किया जाता है, उसे एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए, साइज और शेप वगैरह देखने के लिए। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि यूट्रस का एक्यूरेट साइज, क्योंकि बाजू का जो कंजेनिटली आपके अंदर अगर यूट्रस स्मॉल है, ओवरी स्मॉल है, उसकी वजह से आप इनफर्टाइल है, तो उसको ट्रांस एब्डोमिनली डिक्लेयर करना मुश्किल होता है। इसलिए वो एक्यूरेटली टीवीएस के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है कि आपकी इनफर्टिलिटी की वजह आपका नेचुरली यूट्रस का छोटा होना या ओवरीज का, अंडाधारियों का छोटा होना है। इसी तरीके से अर्ली प्रेगनेंसी ट्रांस एब्डोमिनल जो स्कैन है उसके थ्रू 5 या 6 वीक्स पे बाजू का नहीं नजर आती अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, उसको रूल आउट करने के लिए या फिर अगर टॉपिक है तो टीवीएस ज्यादातर रेडियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, हम उनकी तरफ रेफर कर देते हैं या फिर हम खुद भी करते हैं, लेकिन यह है कि ज्यादातर बेहतर यही होता है कि जो इसके अकॉर्डिंग माहिर हैं रेडियोलॉजिस्ट, हम उनको भी इसकी एक्यूरेसी के लिए प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि रप्चर्ड फॉलिकल भी नजर आ जाता है इसके थ्रू, जैसे कि कुछ पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड नजर आ जाता है, तो उसके लिए अभी रिलीज हुआ है, रप्चर हुआ है, तो उसका भी आइडिया इसके थ्रू हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि अनमेरिड लड़कियों में हम नहीं करते, लेकिन बाहर की कंट्रीज में अनमेरिड मेरिड सबको एक ही क्राइटेरिया में देख के इसकी एक्यूरेसी के लिए ये वाला स्कैन चलता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हम ये अनमेरिड फीमेल्स में नहीं करते। आपको आइडिया हो गया होगा कि यूट्रस के साइज शेप एक्यूरेट चेक करने के लिए और उसको डिक्लेयर करने के लिए कि कंजेनिटली है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ऐसे ही रप्चर फॉलिकल के आपका जो ओवुलेशन हो चुकी है, फॉलिकल रप्चर हो चुका है, वो भी इससे पता चल जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए भी किया जाता है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आईवीएफ और इक्सी सेंटर्स में ज्यादातर इसी को ही प्रेफर किया जाता है टू चेक द एक्यूरेट साइज शेप एंड नंबर ऑफ फॉलिकल्स के ओवरीज में कितने मौजूद है। तो उस इसी तरीके से ओवम पिकअप जो पिक करते हैं आईवीएफ और इक्सी सेंटर्स में, जो हम उसके दौरान जो टेस्ट ट्यूब कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ओवम पिकअप होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली टीवीएस के थ्रू ही होता है, ताकि साथ साथ आपको फॉलिकल्स नजर आ रहे होते हैं, उसके साथ पिक स्लाइड पिन होती है, उसके थ्रू इसको पिक करते रहते हैं, फिर वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिया जाता है, वो फिर उसमें से फ्लूइड वगैरह एक्सक्लूड करके एग को निकाल लेते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होती है और फर्दर जो एम्ब्रियोज बनते हैं।
तो बेसिकली जो मेन मकसद होता है, जो क्राइटेरिया इसको फर्स्ट पे रखा गया है ज्यादातर आईवीएफ सेंटर्स में, तो उसकी मेन वजह ये है इसकी एक्यूरेसी और इसकी सेंसिटिविटी एज कम्पेयर टू ट्रांसएब्डोमिनल ज्यादा प्रेफर की जाती है और ज्यादा एक्यूरेट होती है। होप सो आपको डिफरेंस पता चला होगा और आइडिया हुआ होगा कि टीबीएस क्या होता है और इसकी वजह से कोई पेन नहीं होता और ना ही कोई इन्फेक्शन होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप उसे लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिस भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनवानी है आप हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।